थ्योरी की थी। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में पहला इंस्ट्रूमेंट क्या था आपका? सिंपल माइक्रोस्कोप या मैग्नीफाइंग ग्लास। सिंपल माइक्रोस्कोप के दो केस थे, एक लेंस यूज करते हैं, ऑब्जेक्ट यहां पर पड़ा हुआ है, इमेज जो है एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्टिवेशन पे है। दूसरा केस है, ऑब्जेक्ट कहां पर पड़ा हुआ है? फोकस पे पड़ा हुआ है, और इमेज कहां पर बन रही है? एट इंफिनिटी। दो केस हैं। इन दोनों केसेस में अगर आप फॉर्मूला की बात करो तो पहला फॉर्मूला सिंपल माइक्रोस्कोप का, व्हेन इमेज इज एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, हैंड एंड शीट के अंदर है ये शीट आपकी, मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला 1+D/F। ये कब यूज करना है? व्हेन इमेज इज फॉर्म्ड एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। और अगर इमेज कहां पर फॉर्म कर रही है? इंफिनिटी पे, तो फॉर्मूला सिर्फ D/F यूज करना है, 1+ हटा देना है, तो ये फॉर्मूला आएगा। और बाय डिफॉल्ट कैपिटल डी की वैल्यू क्या होती है? 25 सेंटीमीटर। फॉर्मूला रजिस्टर में दोनों फॉर्मूलास को पहले नोट करो, फिर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फॉर्मूला रजिस्टर के अंदर नोट करो, इसे याद करो, 1+D/F और D/F, फिर इसके ऊपर न्यूमेरिकल करते हैं स्टार्ट। तो दो फॉर्मूलाज हो गए, व्हेन इमेज इज एट लीस्ट डिस्टेंस डिस्टिंक्ट विजन और इमेज इज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी। इसके ऊपर पहला क्वेश्चन है, थिन कन्वेक्स लेंस और फोकल लेंथ 5, कन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ क्या है? 5, इज यूज्ड एज अ सिंपल माइक्रोस्कोप। सिंपल माइक्रोस्कोप की प्रॉब्लम है, बाय अ पर्सन विद नॉर्मल नियर पॉइंट। तो नियर पॉइंट इसका नॉर्मल है, यानी कि ये इसके पास का चश्मा नहीं लगा हुआ और इसका नियर पॉइंट 25 सेंटीमीटर है, तो ये कोई इमेज को 25 सेंटीमीटर बनाई हुई इमेज को सही देखता है, तो नॉर्मल डिस्टेंस पे देखता है, तो इसका नियर पॉइंट डी है। तो इमेज को कहां बनाना है? डी पे। व्हाट इज मैग्नीफाइंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप? इसमें बिल्कुल भी नहीं कहा कि इमेज इंफिनिटी पे बनी है, इसमें मेंशनड है लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन है, नॉर्मल आई है, तो ऐसे केस में मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला 1+D/F। फोकल लेंथ आपको पता है, डी आपको पता है, 1+D/F से क्या जाएगी? मैग्नीफाइंग पावर आ जाएगी। क्या ये पहला स्टेप क्लियर है? कोई डाउट इसमें? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें प्लीज। सिंपल माइक्रोस्कोप इज रेटेड 5x फॉर अ नॉर्मल रिलैक्स्ड आई। तो सिंपल माइक्रोस्कोप है, उसके ऊपर क्या लिखा हुआ है? 5x। 5x क्या है इसकी? मैग्नीफाइंग पावर। तो फॉर अ रिलैक्स्ड आई, रिलैक्स्ड आई क्या होती है? रिलैक्स्ड आई का मतलब जब इमेज इंफिनिटी पे बनती है, नॉर्मल आई ठीक है, पर इमेज जब इंफिनिटी पे बनती है उसको रिलैक्स्ड आई बोलते हैं। What will be its magnifying power for a relaxed, far-sighted eye whose near point is 40 सेंटीमीटर? तो ये जो बंदा है इसका नियर पॉइंट 25 नहीं है, ये चीजों को 25 पे देखता नहीं है, ये कहां पर देखता है? ये 40 पे देखता है। सही। अब पहला केस क्या है? एक नॉर्मल आई है, तो जिसकी आई खराब नहीं है उसके लिए मैग्निफिकेशन कितनी है? इस केस में 5 है, क्योंकि रिलैक्स्ड आई बोला हुआ है, तो इमेज बाय डिफॉल्ट कहां पर बनेगी? एट इंफिनिटी। अंडरलाइन कर रहा हूं, रिलैक्स्ड आई मींस इमेज इज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी, तो फॉर्मूला इंफिनिटी वाला लगेगा। क्या लगेगा? मैग्नीफाइंग पावर इज इक्वल टू 1+D/F नहीं लगेगा, सिर्फ D/F लगेगा। तो डी की वैल्यू पहले केस में कितनी गिवन है? 25, जो नॉर्मल आंख है, डिफेक्टिव आई नहीं है, और मैग्निफिकेशन कितनी है? 5 है। तो यहां से मैंने क्या निकाल ली? फोकल लेंथ। कि क्यों निकाली फोकल लेंथ? क्योंकि मेरे को मेरा क्वेश्चन नॉर्मल आई के लिए करना ही नहीं है, मेरे को डिफेक्टिव आई के लिए करना है, जिसकी डी की वैल्यू 25 नहीं है, जिसकी डी की वैल्यू 40 है। तो अब अगर मैं सेकेंड टाइम सेम फॉर्मूला लगाऊंगा
तो मैं डी की जगह क्या पुट करूंगा, 40, और फोकल लेंथ मैंने फर्स्ट पार्ट से निकाल ली। मैं ये फॉर्मूला डायरेक्ट लगा सकता था, डी को 40 मुझे पता था, डी 40 पुट करना है। प्रॉब्लम यह है मेरे को फोकल लेंथ नहीं पता थी। तो इस क्वेश्चन में एक्चुअल में दो पार्ट्स हैं, पहला पार्ट नॉर्मल आई का पार्ट है, दूसरा आई डिफेक्टिव आई का पार्ट है। तो पहले नॉर्मल आई से फोकल लेंथ निकलेगी, फिर डिफेक्टिव आई से आगे मैग्निफिकेशन निकलेगी। क्लियर है यहां तक? नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये क्वेश्चन है कन्वर्जिंग लेंस ऑफ फोकल लेंथ गिवन। तो कन्वर्जिंग लेंस है तो एक कन्वेक्स लेंस है जिसकी फोकल लेंथ गिवन है, इज यूज्ड एज अ मैग्नीफाइंग ग्लास। तो एक मैग्नीफाइंग ग्लास यानी कि कंपाउंड सिंपल माइक्रोस्कोप की प्रॉब्लम है। इफ नियर पॉइंट ऑफ द ऑब्जर्वर इज 25 सेंटीमीटर, यानी कि नॉर्मल आई है जिसकी नियर पॉइंट की वैल्यू कितनी है 25 है, एंड लेंस इज प्लेस क्लोजर टू द आई कैलकुलेट, क्योंकि जो मैग्नीफाइंग ग्लास है आंख के पास ही रहता है वैसे, डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस, आपको यू निकालना है। तो सिंपल जो सिंपल ये माइक्रोस्कोप का लेंस है, ये एक सिंपल लेंस है, और सिंपल लेंस के लिए क्या गिवन है, फोकल लेंथ पॉजिटिव गिवन है। इमेज कहां पर बनानी है, जहां एक नॉर्मल बंदा देखना चाहता है, नॉर्मल बंदा वो कहां देखना चाहता है, एट अ डिस्टेंस ऑफ 25 सेंटीमीटर पे। तो वी यहां पर -25 है, और आपको यू निकालना है ऑब्जेक्ट की दूरी क्या है, तो यू निकालना है, तो 1/focal length 1/v - 1/u से यू की वैल्यू निकाल लेना। आपको इस क्वेश्चन में वी आपको पता है -25 है, आपको फोकल लेंथ की वैल्यू पता है 6.25 है, यहां से सॉल्व करके -5 आंसर आएगा। सिंपल लेंस की प्रॉब्लम है और कुछ प्रॉब्लम नहीं है इसमें। ठीक है, यहां तक ये पॉइंट समझ में आ रहा है? इसी क्वेश्चन के अंदर क्या निकालना है, एंगुलर मैग्निफिकेशन। एक सिंपल माइक्रोस्कोप की एंगुलर मैग्निफिकेशन के दो फॉर्मूलाज हैं। पहला फॉर्मूला जिसमें लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन यूज किया जाता है, और दूसरा फॉर्मूला जिसके अंदर इन्फिनिटी वाला केस यूज किया जाता है। क्योंकि ये नॉर्मल आई की बात हो रही है और इसके अंदर लीस्ट डिस्टेंस की वैल्यू 25 सेंटीमीटर गिवन है, हम इन्फिनिटी का केस नहीं लगाएंगे, हम नॉर्मल केस लगाएंगे 1+d/f का। हमें डी 25 पता है, फोकल लेंथ हमें 6.25 पता है, मैग्निफिकेशन आ जाएगी। इसी के अंदर अगला पार्ट है फिर से एंगुलर मैग्निफिकेशन निकालो, व्हेन इमेज इज फॉर्मड एट इंफिनिटी। तो मैंने आज क्या फॉर्मूला करवाया, जब इमेज इंफिनिटी पे बनती है तो 1 प्लस की जगह सिर्फ d बाय f यूज किया जाता है, d पता है, f पता है आंसर। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? ठीक है, पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक कैसे फॉर्मूलाज लगाने हैं इसमें? इस क्वेश्चन को देखें,
क्वेश्चन में ये गिवन है, अ मैन विद नॉर्मल आई, दैट इज नॉर्मल नियर पॉइंट, तो नियर पॉइंट उसका नॉर्मल है, यानी कि आम चीज वो 25 सेंटीमीटर पे देखता है। रीड्स अ बुक विद स्मॉल प्रिंट यूजिंग अ मैग्नीफाइंग ग्लास, तो मैग्नीफाइंग ग्लास से वो देखता है। अ थिन कन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर यूज करता है। वॉट इज द क्लोजेस्ट एंड फार्देस्ट डिस्टेंस एट विच ही कैन रीड द बुक वेन व्यूइंग थ्रू द मैग्नीफाइंग ग्लास, तो मैग्नीफाइंग ग्लास के लिए वो कह रहा है क्लोजेस्ट यू क्या होगा और फार्देस्ट यू क्या होगा, ये बताओ क्या लेंस को कहाँ रखा जाए ताकि वो अक्षरों को पढ़ सके। तो ऐसा नहीं होता, जब आप लेंस देखते हैं तो कई पोजीशंस होती हैं जिसपे आप उसको देख सकते हो। तो जब आप बात करते हो क्लोजेस्ट डिस्टेंस की, तो आप देखो हम ये पढ़ते हैं कि नॉर्मल आई के लिए ना जो कम से कम डिस्टेंस है इमेज का, या वो अगर अक्षर पढ़ना चाहता है 25 सेंटीमीटर, इससे कम नहीं चाहिए, तो कम से कम 25 होता है। तो इसका मतलब कि 25 सेंटीमीटर इमेज आता है, क्लोजेस्ट डिस्टेंस इससे कम नहीं हो सकती, ऑब्जेक्ट की पोजीशन निकालनी है और फोकल एंड कन्वेक्स की पता है, तो यहाँ से लेंस फॉर्मूला यूज करके आंसर आ गया। एक आंसर आ गया 4.2 सेंटीमीटर, तो यानी कि क्लोजेस्ट डिस्टेंस में वो किताब को कहाँ रखना चाहता है, कोई भी ऑब्जेक्ट को कहाँ रखना चाहता है एट अ डिस्टेंस ऑफ 25 सेंटीमीटर। लेकिन जब फार्देस्ट की बात आती है तो वो दूर भी रख सकता है। अब दूर फिजिक्स में दूर को क्या बोलते हैं, इन्फिनिटी। तो वी सेकेंड, देखो दो ही तो केस आते हैं, या तो लीस्ट डिस्टेंस पे या इन्फिनिटी पे। तो सेकेंड केस में वी क्या चाहिए हमें, इन्फिनिटी, और फोकल लेंथ वही चाहिए, और यू निकालना है, तो निकाल लेना आंसर 5 सेंटीमीटर। मतलब मेरी आंख के लिए 5 सेंटीमीटर भी इन्फिनिटी है, यही हुआ ना इसका मतलब, 4.2 की जगह 5 कर दिया तो इनफाइनाइट हो गया, बहुत दूर मानने, मेरी आंख बहुत दूर मानती है इसे। चलो जो भी आंसर आया तो आया। तो दो केस कैसे सॉल्व कर, समझ में आ रहा है यहाँ तक, एक में आपको v को -25 लेना है और एक में v को आपको इन्फिनिटी, आपको दो ही फॉर्मले आते हैं, व्हेन इमेज इज फॉर्मड एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन और इमेज इज फॉर्मड एट इन्फिनिटी, तो दोनों के फॉर्मले लगा के u की वैल्यू कैन बी कैलकुलेटेड।